ये वाला सिखा दे बस, ये मैं मीटिंग शादी अकीका खतना सब पे चला दूंगी मैं। तुम्हें याद है कुद्दूसी में मैं कैसे शगुफ्ता जान बनी थी दुल्हन अलीमुद्दीन की? हमने यहाँ सीक्वेंस चिपका है। वो चलो कैरेक्टर था ना। नहीं मुझे तो वो याद है, पहली दुल्हन तो तब बनी थी ना यार। आज फोटोशूट है तो आई एम फीलिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड, थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है। But I was thinking since morning, but in fact 2 days, like should we record this experience or not? So I think I'm here to experiment and I'm here to share. Mausam and a little bit of music, it helps immediately. So God is on my side today, people. अच्छा आप लोग भी बताएं कि अब तो मुझे बहुत ही सिली सा सवाल लगता है ये पूछना वैसे, कि आप लोग की ज़िंदगी में स्ट्रेस है? आगे से जवाब बस ये था कि मतलब किसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, जो बहुत बेहतर लाइफस्टाइल जी रहा है उसके लिए भी कोई ना कोई टेंशन है, जो नहीं उस तरह जी रहा है उसके लिए भी टेंशन है, हर क्लास हर किसी के घर में यही टेंशन है, तो उससे डील कैसे करें? मतलब इतना कॉमन मसला है, घर घर में पाया जाता है, घर घर में हर फर्द के साथ होता है, तो अभी तक हम लोग जो है वो उसका सोल्यूशन निकाल पाए, लाइक लिटरली प्रैक्टिकली इन आर डेली लाइफ्स, डू वी रियली प्रैक्टिस दोस थिंग्स? आप लोग करते क्या करते हैं बता यार, सम डेज आर वेरी हार्ड। लो जी अब हम पहुंच गए हैं वकार के सलोन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है, क्या चल रहा है, किधर बैठे हैं हम? यहाँ पे। तुम सलाम, क्या हो रहा है? ऑल इज गुड, मेरी YouTube फैमिली को हाय कह दो। आज हम फुल टेक्निकल चल रही, तुम तो आज हम ये कर रहे हैं वकार कि हम कर रहे हैं एक फोटोशूट और उसमें ना आई टोल्ड यू सुबह के मुझसे मेकअप नहीं हो रहा। आज एक अजीब से उलझन सी है। आपको पता है उरुसा का ये, अगर आप फैमिली को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बिकॉज मैं उसको बहुत, हम लोग बचपन से साथ काम कर रहे हैं समझ में, इसके बचपन से, वरना ये बड़ी लगेगी। तो ये इसी तरह हाइपर रहती और इसको मुझे कंट्रोल करना पड़ता है उरुसा, बस और ये यही कर सकते हैं हम जाओ, और फिर उसके बाद दोस्तों बता, मेकअप गिव्स मी एंजाइटी ना वकार, यू नो एवरीथिंग गिव्स यू एंजाइटी, जो लोग मुझे जानते हैं वो इसकी उसके हल भी जानते हैं। और जब मैं आती हूँ यहाँ पे मैं हमेशा यूं आ रही होती हूँ, वो कहते बैठ जाओ। अच्छा दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हम, क्योंकि तुम्हारी, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे 3 ड्रेसेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से तुम्हारे बाल आज चेंज करूं, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम्हारे बालों में ना स्टेप की वजह से बाल बहुत लाइट हो रहा है, राइट? सो हम थोड़ा सा इसको कट करते हैं ताकि इससे तुम्हारे लुक भी चेंज आए और हम मिनिमल मेकअप, जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमने बहुत सॉफ्ट मिनिमल मेकअप करना है, तो वो भी हम करते हैं। सो आप देखें इसकी तैयारी करिए, आज मैं इसके बाल कितने कितने जा रहा हूँ। अम्मी अम्मी मार देंगे मुझे, थोड़े से काटेगा, इतने काटेगा। अम्मी को ये वीडियो दिखाना और अम्मी को बताना कि बकार ने कहा था कि इन बालों में कुछ नहीं रहा, ये एंड की कटेंगे बेटी, ये पूरा उधर से आ जाएंगी, पहुंच जाएंगी, और देखो रुसा का बाल कट भी गए तो ये किस दिन काम आएंगे, यही है ये मेरे अम्मी को दिखाना, कह रहे मेरे असली बाल है मेरे, है तो असली वुमन है। अच्छा अब मैं इसको बताता हूँ मुसर्रत मिसबाह की फाउंडेशन का क्या फंडा है। लाते इज अ रेड अंडरटोन, व्हाट रेड अंडरटोन, यू हैव टू अंडरटोन मिक्स इन योर बॉडी, यू हैव रेड अंडरटोन एंड अ लिटिल बिट ऑफ येलो, राइट? सो आई फॉर ये वाले जो लाते हैं ये मैं मिलाता हूँ 70% और वॉर्म गोल्ड मिलाता हूँ 30%, दैट इज मैच योर स्किन। ये
ये वाला सिखा दे बस, ये मैं मीटिंग शादी अकीका खतना सब पे चला दूंगी मैं। तुम्हें याद है कुद्दूसी में मैं कैसे शगुफ्ता जाम बनी थी दुल्हन अलीमुद्दीन की? हमने यहाँ सीक्वेंस चिपका है। वो चलो कैरेक्टर था ना। नहीं मुझे तो वो याद है, पहली दुल्हन तो तब बनी थी ना। अच्छी बात है कि इसकी आईज परफेक्ट हैं, यू हैव परफेक्ट लिप्स, तो तुम्हें हर चीज बस सिर्फ एनहांस करनी है। और लिप्स ही मेरे अच्छे प्यारे बस। आपने देखा खूबसूरत और प्यारा इस्तेमाल किया गया। थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज माई फाइनल लुक, मेकअप एंड हेयर। जैसे जैसे और डाउन हो गई और अच्छा हो जाएगा। चलो बाबू, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो। शूट ने भी कसम खाई होती है कि मैंने ना सीधा नहीं होना, मैंने सारी क्योटिक पन जो है ना वो सब कुछ एक साथ डाल देना है। सो शूट जो है वो क्योटिक ही होती है, लेकिन हो ही जाती है। और एंड रिजल्ट यार आप ही बताना कैसा लगा। एज आई सेड इन माई अर्लियर एपिसोड इज वेल कि इट्स ओके, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। जब भी ऐसी एंजाइटी, थोड़ी स्ट्रेस हो कि ये सब काम है, अब ये भी चले गए, मासी भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या होगा, खैर उस सब टेंशन नहीं लेना। टेक अ स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन टेक मिनी मिनी स्टेप्स, वन थिंग एट अ टाइम। और वाकई जब हमने कहा कि अच्छा पहले लेट्स जस्ट डू दिस, लेट्स जस्ट फिगर आउट दिस फर्स्ट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन मेकअप, लेट्स जस्ट फोकस ऑन गेटिंग होम, इवन गेटिंग होम, so everything माशाल्लाह पार्क चलते हैं, देखते हैं, let's just go, so we need to take that first tiny step and it worked for me. So this was my day, a normal day for us, every other day ऐसे ही हमें फोटोशूट्स करनी होती हैं, कुछ ज़रा बड़े स्केल की होती है, कुछ छोटे स्केल की होती है। आज का स्केल थोड़ा सा मुनासिब था लेकिन वो वर्कआउट नहीं करते करते वो गुरिल्ला स्केल पर चले गए एंड आई थिंक इट वर्कड। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी और क्या आपने सोचा था कि ऐसी फ़ोटोशूट्स होती हैं या नहीं। मतलब नौकरी की तो नखरा की तो बस यही वाली बात है। चले, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।